सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई बिग बॉस सीजन 13 के बाद ये जोड़ी काफी ज्यादा चर्चा में है आई। रश्मि और सिद्धार्थ को लेकर, इनके रिलेशनशिप को लेकर कई तरह के सवाल उठे और इन सवालों के बीच में अब जब ये बज चारों तरफ सुनाई पड़ रहा है कि रश्मि और सिद्धार्थ नागिन सीजन 4 में स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगे, हर कोई जानना चाहता है कि आखिर रश्मि और सिद्धार्थ का ये रिश्ता नागिन सीजन 4 के बाद किस मोड़ पर जाएगा, आगे बढ़ेगा भी या नहीं बढ़ेगा। खैर, आपको बता दें इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे किस तरह से रश्मि सिद्धार्थ के रिलेशनशिप पर मम्मी रीटा शुक्ला का एक स्टेटमेंट तेजी के साथ वायरल हो रहा है। जी हाँ, रश्मि और सिद्धार्थ जब बिग बॉस सीजन 13 के दौरान घर के अंदर काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े कर रहे थे, जब रश्मि और सिद्धार्थ घर के अंदर काफी ज्यादा पर्सनल बातें रिवील कर रहे थे, तब बाहर सिद्धार्थ की मम्मी रीटा से किया गया सवाल, आपके बेटे और रश्मि के बीच इस तरह की बातें हो रही हैं, क्या आप चाहेंगी कि आपके बेटे रश्मि के साथ दोबारा काम करें? मम्मी रीटा ने कहा, रश्मि एक बहुत अच्छी लड़की है, मैं उसे पहले से जानती हूँ। जब वो सिद्धार्थ के साथ दिल से दिल तक का शो कर रही थी, कई बार हमारे घर आई है। शो के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसमें रश्मि और सिद्धार्थ दोनों की गलती है, लेकिन आगे अगर कभी इन दोनों को साथ काम करने का मौका मिले तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि ये दोनों साथ काम करें, क्योंकि फैंस को इनकी जोड़ी काफ़ी पसंद है, लोग इनकी जोड़ी को एक साथ देखना चाहते हैं और ये दोनों काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल हैं। मम्मी रीटा शुक्ला ने कहा, मुझे नहीं लगता कि एक साथ काम करने पर रश्मि और सिद्धार्थ दोनों में से किसी को, जहाँ तक मैं इन दोनों को जानती हूँ, ये दोनों प्रोफेशनल हैं। वेल, मम्मी रीटा शुक्ला की बातें रश्मि सिद्धार्थ के ज्यादा सच साबित, रश्मि और सिद्धार्थ काफी ज्यादा प्रोफेशनल हैं और बैक टू बैक लगातार कहते जा रहे हैं हमें साथ में काम।